करने के लिए जो रखा था वो सही है। केंद्र सरकार से इतना पैसा जो असिस्टेंस मिलता बोल के, जमीन सेल करके इतना पैसा लाना बोल के, शराब सेल करके इतना इनकम आता बोल के, ऐसा ऐसा चीज़ जो रखा है वो गलत है। एक्चुअली ये सरकार का सत्ता, मैं समझता हूँ 2 लाख से ऊपर एक पैसा भी खर्च करने का ताकत नहीं है। डबल बेडरूम जो वादा किया वो नहीं हुआ, जो फार्मर्स के लिए जो लोन वेवर के लिए कोरोना फेस बैक जो वादा किया अभी तक अमल नहीं हुआ, जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ के लिए 3,116 रुपीस जो वृद्धि देना था ये भी अभी तक नहीं दिया था, जो 70 लाख महिलाओं को जो वड्डी लेन रुण देना था तो इंटरेस्ट फ्री लोन्स देना था वो बाकी 4,200 करोड़ रुपीज़ है आज तक नहीं दिया है। रेजिडेंशियल स्कूल्स, जो यूनिवर्सिटीज़, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, जो हॉस्टल्स के लिए वो डाइट चार्जेस टाइम पे देना है वो टाइम पे नहीं दे रहा है। लास्टली ये जो इलेक्ट्रिसिटी जो बता रहा है 24/7 यहाँ पे मिल रहा है वो पूरा गलत है। जो एग्रीकल्चर को आज पावर ने 8 आवर्स 9 आवर्स का बिना ज़्यादा नहीं, एक तो पक्का है नंबर वन इन द कंट्री इज़ लिकर पीने में, लिकर आमदनी कमाने में तेलंगाना सरकार नंबर वन है।